हेलो फ्रेंड्स, जॉब्स एंड क्वेश्चन पेपर चैनल का पर आप सभी का स्वागत है। जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल बटन जरूर प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाए। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बना रखा है एफ कैट, जिसमें एफ कैट के डिटेल एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एज क्या होना चाहिए और फीस क्या है और इसका सिलेबस क्या है, ये सब मैंने डिटेल से बता रखा है। अगर वो लोग वो आप देखना चाहते तो इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। आज मैं एफ कैट जो कि एयरफोर्स का एक रिक्रूटमेंट निकलता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि कौन सी ईयर में कितना कट ऑफ गया था। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सीरियल नंबर, ये एक सीरियल नंबर का कॉलम है और दूसरा एफ कैट का जो साल में दो पेपर होता है, एक एफ कैट वन और एक एफ कैट टू, और यहाँ पे ईयर देख सकते हैं। और ये एफ कैट का जो नॉनटेक का कट ऑफ है वो है, और ये जो टेक्निकल का कट ऑफ होता है वो है। तो जो ये नॉनटेक का पेपर होता है वो टोटल 300 मार्क्स का होता है और टेक्निकल का टोटल 150 मार्क्स का होता है। तो आइए देखते हैं सीरियल नंबर वन में, जो कि पेपर 2021 में हुआ था एफ कैट वन, इसमें आउट ऑफ 300 नॉनटेक का जो कट ऑफ गया था 165 गया था और टेक्निकल का कट ऑफ आउट ऑफ 150 30 गया था, जो कि बहुत कम है। मुझे लगता है इसका पेपर काफ़ी टफ आ गया होगा, इसलिए इतना कम गया है कट ऑफ। और ये सीरियल नंबर टू पे एफ कैट पेपर टू 2020 में हुआ था, इसका जो कट ऑफ गया था वो 155 नॉन टेक का गया था और टेक्निकल का 40 गया था। उसी तरह आप लोग देख सकते हैं कि ये सीरियल नंबर थ्री पे एफ कैट पेपर वन हुआ था ईयर 2019, और जो नॉन टेक का कट ऑफ गया था 133 गया था और टेक्निकल का कट ऑफ 50 गया था। सीरियल नंबर फोर पे आप लोग देख सकते हैं एफ कैट पेपर टू, जो कि 2018 में हुआ था, इसका कट ऑफ गया था 140 और टेक्निकल का कट ऑफ गया था 55। सीरियल नंबर फाइव पे आप लोग देख सकते हैं कि एफ कैट पेपर वन, जो कि 2018 में हुआ था, नॉन टेक का कट ऑफ 155 गया था और टेक्निकल का 60 गया था। उसी तरह आप लोग सीरियल नंबर सिक्स पे देख सकते हैं, जो कि पेपर टू हुआ था 2017 में, इसका जो नॉन टेक का कट ऑफ गया था 160 गया था और टेक्निकल का 60 गया था। और सीरियल नंबर सेवन पे आप लोग देख सकते हैं, जो कि एफ कैट पेपर वन हुआ था 2017 में, इसका जो नॉन टेक का कट ऑफ गया था 150 और टेक्निकल का जो कट ऑफ गया था वो 60 गया था। सीरियल नंबर एट पे आप लोग देख सकते हैं एफ कैट पेपर टू 2060 और जो इसका कट ऑफ गया था नॉन टेक का 148 और टेक्निकल का 60 गया था। सीरियल नंबर नाइन पे एफ कैट वन 2016, इसका जो नॉन टेक का कट ऑफ गया था 132 गया था और ई के टी जो कट ऑफ है यानी टेक्निकल का 52 गया था। और सीरियल नंबर 10 पे आप लोग देख सकते हैं एफ कैट पेपर टू, जो कि 2015 में हुआ था, कट ऑफ नॉन टेक का 144 गया था और टेक्निकल का 52 गया था। उसी तरह सीरियल नंबर आप लोग 11 और 12 देख सकते हैं, जो एफ कैट पेपर वन एफ पेपर टू 2015-2016 नॉन टेक का कट ऑफ जो गया था वो 126 गया था 2015 के लिए और 2014 के लिए 123 गया था, और टेक्निकल का जो कट ऑफ गया था 2015 में वो 55 गया था और 14 में 45 गया था। तो ये तो हो गया फ्रेंड कट ऑफ। और मैं आप लोगों को जो एफ कैट का शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट निकला है उसमें भी कुछ मेन चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ।
जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स इनवाइट मेन एंड वोमेन फ्रॉम इंडियन सिटीजन, यानी ये जो वैकेंसी है एफ कैट का, इसके लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो रिक्रूटमेंट है ऑफिसर्स इन फ्लाइंग एंड ऑन ग्राउंड ड्यूटी, ग्राउंड ड्यूटी पे टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों का रिक्रूटमेंट होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो रिक्रूटमेंट है जनवरी 2022 के लिए है, और ये जो जॉब है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन इन फ्लाइंग, यानी फ्लाइंग ब्रांच में जो भी रिक्रूटमेंट होगा शॉर्ट सर्विस कमीशन के बेसिस पे होगा, यानी वो परमानेंट नहीं होगा। लेकिन जो ग्राउंड ड्यूटी वाला होगा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, उसमें से कुछ परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन दोनों का होगा। सीरियल नंबर 2 में आप लोग देख सकते हैं फ्लाइंग ब्रांच में टोटल जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के बेसिस पे सिलेक्शन होगा उसमें टोटल वैकेंसी 69 है। और ग्राउंड ड्यूटी जो कि टेक्निकल से होगा उसमें परमानेंट कमीशन के लिए 27 वैकेंसी है, और शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए वैकेंसी है। और इसमें आप लोग देख सकते हैं ग्राउंड ड्यूटी में एडमिन के लिए 19 पोस्ट है, और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के लिए 10 पोस्ट है, और LGS इसके बारे में मेरे को पता नहीं, इसके लिए टोटल शॉर्ट सर्विस कमीशन में 14 पोस्ट है और परमानेंट कमीशन में 9 पोस्ट है। और NCC स्पेशल एंट्री है, यानी NCC के लिए इसमें कोटा रखा गया है। इससे पहले जो वीडियो बनाया उसमें इसके बारे में बता चुका हूँ। टाइप ऑफ कमीशन आप लोग देख सकते हैं, परमानेंट PC फॉर मेन, यानी परमानेंट कमीशन फॉर मेन, और जो ऑप्शन बी है शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर मेन एंड वोमेन। इसमें ये कहा है कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन जो कि ग्राउंड ड्यूटी वाला होगा टेक्निकल नॉन टेक्निकल, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा और उनको रिक्वायरमेंट होगा तो लास्ट 1 ईयर जब आपका सर्विस होगा तो उसमें आपका परमानेंट कमीशन के लिए कंसीडर कर सकते हो वो लोग। और ये इसमें एज वगैरह दिया गया है कि अप टू 1 जनवरी 2022 आपका एज क्या होना चाहिए, जो कि डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट एज रखा गया, वो उसके लिए आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पे फ्लाइंग ऑफिसर्स के लिए जो सैलरी का पे एज पर द डिफेंस मैट्रिक्स आप लोग देख सकते हैं, सैलरी जो है 56,000 से लेकर 1,77,500 रखा गया, जो कि पे लेवल 10 में आता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि आप लोगों के लिए मैं और भी वीडियो बनाता रहूँ।